बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको ज़हमत दी थी, ये हमारी जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है इसके ऊपर हम सरमाई रिपोर्ट लेते हैं सारे इदारों से, और आज की जो हमारी रिपोर्टिंग थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि इदारों ने इस पर बाकायदा अपने डेडिकेटेड डेस्क बना दिए हैं। रिस्पांस टाइम शॉर्ट हो गया है, लोगों ने उसके ऊपर बड़ी तसल्ली का इजहार किया है। और ये वज़ीर आज़म का जो विज़न था एक आम आदमी की इदारों तक रसाई, उसके हवाले से ये एक बहुत कामयाब और कारगर चीज़ साबित हुई है। मैंने एक साल की रिपोर्ट इस सिटीज़न पोर्टल की, जो हमने सिंस ऑपरेट किया है, उसकी मुरतब की है, और वो रिपोर्ट हम इंशाल्लाह मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे। उसमें तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने होंगे कि कितनी कंप्लेंट्स इदारों के पास आई, कितनी रिजॉल्व हुई। कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनी रिजॉल्व हुई, यानी तकरीबन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो रिसीव हुई थी वो 66,825 कंप्लेंट्स हमें रिसीव हुई थी तमाम इदारों को, जिसमें से 83 परफॉर्मेंस थी, 74 नॉर्मल थी, सेटिस्फैक्ट्री थी, और बाकी जो थी माइनर ऑब्जर्वेशन के साथ उनको हल किया गया। 93% कंप्लेंट जो हैं वो डिपार्टमेंट ने रिजॉल्व की हैं इन टाइम, 7% कंप्लेंट जो हैं वो पेंडिंग हैं, और 95% कंप्लेंट जो हैं वो सॉर्ट आउट करने के बाद रिलेवेंट इदारों को भी फॉरवर्ड की गई और उसका रिजल्ट भी आया। तो ये कुछ चीज़ें जो हमारे कस्टमर कह रहे हैं, जो हमारे सिटीज़न का फीडबैक रहा है वो तकरीबन 48% में से 18% जो है वो सेटिस्फाइड रहे हैं, और 30% लोग जो हैं वो इस रिपोर्ट के मुताबिक नॉट सेटिस्फाइड रहे हैं। 97% डिपार्टमेंट ने कर्टिसी के साथ, बहुत प्यार मोहब्बत खलूस के साथ सिटीजन्स के साथ डील किया है, और 95% डिपार्टमेंट जो है वो रिलीफ ग्रांट करने में भी कामयाब रहे हैं, या उनके पास वो रीज़न था कि ये उनके डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो ये मेरी ख्वाहिश आज ये थी कि हम आज आप सबको बुला के इदारों के सामने ये प्रेजेंटेशन कराते, लेकिन कुछ हमारे ऑफिस की मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपको ये सहूलत मैसर ना हो सकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम ज़रूर ये इसका इत्तेमाम करेंगे कि आप ख़ुद यहाँ बैठ के, इदारों के हेड्स यहाँ पर आते हैं तकरीबन 100 के करीब, आप उनके साथ बैठ के इंटरेक्शन भी कर सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस पूरी आप देख भी सकते हैं। इसकी हम आपको अभी कॉपी भी दे देंगे। तो आज बुलाने का मकसद बेसिकली ये था, मेरा इरादा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं था, लेकिन अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मैं आपके सवालों के जवाब भी दूँगा। और उससे पहले जो आजकल की सियासी सूरत हाल पे गहमा गहमी है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए। आजकल लंच और डिनर का सीज़न है, खाने और खाबे लाहौर में चल रहे हैं, और जिसे भूख लगती है वो लाहौर में खाना खाने, नाश्ता करने या चाय के ऊपर पहुंच जाता है, और दस्तरखान लग रहे हैं, खुल रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा से हमें इस चीज़ का इल्म रहा है कि ये सारे जो इस वक्त जमा हो रहे हैं ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये हमेशा से हमें ये ख्याल रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ और ये तमाम जमातें जो एक दूसरे को बुरा भला कहती हैं ये इकट्ठी हो जाएंगी जब भी मौका आएगा। तो अब उन्हें शायद इस चीज़ की स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है कि वो उन्हें इक्तदार में हिस्सा मिल सकता है, इस आखिरी 1.5 साल में हुकूमत को प्रेशर में लिया जा सकता है। तो मैं ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ कि ये इन्होंने कोई पहली ट्राई नहीं कर रहा है, ये इन्होंने बार बार ये कोशिशें की हैं, ये बार बार एक दूसरे के गले पड़े हैं, गले मिले हैं, पैर पड़े हैं, ये सारी हरकतें सारी कौम देख रही है। वो जिन्होंने पेट फाड़ के रोड पर घसीटना था वो उनको घसीटते हुए अपने ऐवानों तक ले आए, खाने के दस्तरखानों तक ले आए, और जिन्होंने घसीटे जाना था वो भी दस्तरखानों तक पहुंच गए हैं। तो ये सब एक्चुअली खाने पीने की बात है, तो जिसका जितना एपिटाइट है, जिसकी जितनी भूख है,
उसके मुताबिक उसको खुराक मिलेगी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान की हुकूमत अपने 5 साल इक़्तदार के पूरे करेगी। ये जो इस वक्त तमाशेबाजी हो रही है, जो तमाशबीनी हो रही है, इससे इसका कोई आउटकम नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपने तय बड़ा खुश है, वो अपनी बगलें बजा रहे हैं कि जी उनका वक्त आने वाला है। शहबाज शरीफ को अलहदा होशियारी आ रही है और उनके भाई उनकी उस होशियारी में खुश नहीं है, उनकी भतीजी उनकी उस होशियारी में खुश नहीं है, वो अपने अलग बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े देख रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये बात बिल्कुल वाजे कर देना चाहता हूँ कि जो मनसूबा बंदी करनी है कर लें, जिसने रोड पे आना है वो रोड पे आ जाए, जिसने धरना देना है वो धरना दे ले, जिसने रोना है वो रो ले। ये बात बिल्कुल तय है 100% कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे सीधा जेल जाएंगे। कोई किसी किस्म का NRO हुकूमत पाकिस्तान देने को तैयार नहीं है। इमरान खान के पास चोरों के लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात मैं बिल्कुल दो टोक अल्फाज में वाजे कर देना चाहता हूँ कि जो लोग इस वक्त जिन्हें वहाँ पे हरी हरी नज़र आ रही है, जो समझते हैं कि ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, उस तरफ की घास ज़्यादा हरी नज़र आ रही है, वो अपनी कोशिश ज़रूर करें और जी भर के करें। लेकिन ये हुकूमत किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं जाएगी। चोरों के साथ कोई हमारा NRO टाइप कोई उनके साथ हमारा एग्रीमेंट या कोई होने की सूरत नहीं है। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकते हैं लेकिन चोरों को नहीं छोड़ सकते। हमारा हुकूमत में आने का मकसद इस मुल्क को करप्शन से पाक करना था और उसी मकसद के ऊपर हम गामजन हैं और लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम ये इस टेन्योर के इख्तिताम से पहले आपको वो सारी चीज़ें करके दिखाएंगे जिसका वादा इमरान खान ने किया था। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल वाज़े कर दूं कि कोई भी जमात इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं कर सकती, जमात या फ़र्द। जहाँ तक बात इत्तेहादियों की है, इत्तेहादियों की मर्ज़ी है कि वो हुकूमत के साथ रहना चाहते हैं या वो अपने दूसरे ऑप्शंस एक्सरसाइज करना चाहते हैं। आज तक की बात मैं आपसे कर सकता हूँ कि हमारे जो इत्तेहादी हैं, जिसमें MQM, आफ लीग, बाप, ये तमाम जमातें जो इसमें शामिल हैं, ये बिल्कुल मजबूती से हमारी हुकूमत के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। और MQM ने जो अभी ताज़ा बयान में उनका देख रहा था कि उन्होंने उसमें कहा है कि जी हमने ना किसी से हुकूमत चेंज करने की बात की, नो कॉन्फिडेंस की हमने कोई बात की, ना हमारा कोई ऐसा इरादा है, हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो मेरे पास उनकी बात पर यकीन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि वाकईतन जो इस वक्त इत्यादि हैं वो अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं। अगर मुलाकातें कोई किसी से करता है और कोई अपनी दूसरी चीज़ें ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता है तो वो उसकी मर्ज़ी है। देखिए, आप फैसल वॉर्डर साहब की बात कर रहे हैं। फैसल वॉर्डर साहब का केस तो एक तरफ, इलेक्शन कमीशन की जो इस वक्त जानिबदारी है वो नज़र आती है, और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल गैर जानिबदाराना तरीके से अपने फ़ैसलों को करना चाहिए। कई फैसले मुतवातिर तरीके से ऐसे आ रहे हैं जिससे नज़र आता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन उस तरह से मुनसफाना फ़ैसले नहीं कर पा रही जिसकी तवक्को से रखी जाती है।
फैसल वाडा के पास हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वापस, उनके ऊपर कोई चोरी का ना इल्ज़ाम था न वो किसी चोरी के इल्ज़ाम में उनको हटाया गया है। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था एक गलत बयानी का जिसको वो डिफेंड कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे वो अपनी बेगुनाही साबित करेंगे इंशाल्लाह। जी जी जी, किसके जाने के बाद? आप जी, आप कुछ कह रहे हैं? मेरा सवाल ये था कि आप लोगों ने उस पार्टी के रद्दे अमल में 26 मार्च से 26 फरवरी से जो लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया है, संयुक्त मोर्चे के तर्जुमान का कहना है एक बार दो भी नहीं है, कैसे लॉन्ग मार्च करेंगे? देखिए, शहजाद अकबर का पहले मैं जवाब दे दूं आपकी बात का कि शहजाद अकबर ने अपनी बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के साथ उन्होंने सारे केसेस पे काम किया, उस पर तैयारी की, उन्होंने उसको लेकर अदालत तक गए। फैसला होना या फैसला ना होना अदालत के इख्तियार में है, शहजाद अकबर के इख्तियार में नहीं होता। शहजाद अकबर ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो एक वहाँ से आए थे और वो वापस अपने काम पर जाना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने वज़ीर आज़म से रुख्सत ली। इसके अलावा इस स्टोरी में और कोई मसाला नहीं है, ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि सवाबदीदी इख्तियार है कि वो अपनी टीम में क्या चेंजेस करना चाहते हैं क्या चेंजेस नहीं करना चाहते। लेकिन वज़ीर आज़म की सफ़ों में, वज़ीर आज़म की काबीना में या उनके साथियों में आपको कहीं चोर नज़र नहीं आते, तो ये बात कहना कि जी वो बयानिया फेल हो गया ये मुनासिब बात नहीं है। आप सर, आपकी बात क्या थी? पीपल्स पार्टी जी, अली जैदी साहब ने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया है, वो लॉन्ग मार्च करेंगे वहाँ से गोटकी से कराची तक। सवाल क्या है इसमें? चले अल्लाह करे पहले वो उनको लग पता जाएगा कि वहाँ से उनके साथ कौन जा रहा है यहाँ से पंजाब, तो हमें भी हमारी लॉन्ग मार्च का भी उनको लग पता जाएगा और अपनी लॉन्ग मार्च का भी लग पता जाएगा। मेरे पास ना मैंने ऐसे कोई बिल भेजे ना मेरे पास ऐसे कोई इतला है। इमरान खान जितना ऑस्टेरिटी पे वो रखते हैं अपना वज़न, तो उनको तो अगर कोई दो चीज़ ज़्यादा खिला दो तो उस पर हमें ही डांट पड़ जाती है, तो वो 30 लाख रुपए का खाना खिला सकते हैं, कभी कभी आपको नहीं खिला सके खाना। मैं ये रिपोर्ट आपको अभी दूंगा, इसके अंदर देखिए आप दोनों ने जो बात की ना वो दोनों सिंध हुकूमत के मातहत आते हैं काम। मेरे पास जो यहाँ पे वज़ीर आज़म पोर्टल के ऊपर से जो हम मोस्टली काम इफेक्टिवली कर पाते हैं वो इदारे हैं जो वफाक के अंडर में डायरेक्टली काम करते हैं। जो सिंध हुकूमत के होते हैं हम चीफ़ सेक्रेटरी को भेज देते हैं या उनके मुतल्लिक इदारों को, वहाँ से उनका रिस्पांस वीक है। लेकिन जो वफाक के हैं वो सारे, मैं आपको ये रिपोर्ट आपको दूंगा, तो इसमें आपको डिटेल से एक एक चीज़ का मिल जाएगा, फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट के साथ आप उससे वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक क्या नहीं रहा, एक पेज नहीं रहा, एक पेज हुकूमत और इदारे नहीं रहे, ये तासुब दे रहे कुछ जमातें आपके इदारे में क्या? हाँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,
बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। ये जिनकी ख्वाहिश है ना कि ये एक पेज पे ना रहे। और नंबर वन तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की थी, वो अपने बल पे की थी। इदारों के साथ चलना या इदारों का हुकूमत के साथ चलना नागुज़ीर होता है। इदारों ने हुकूमत के साथ चलना होता है, हुकूमत ने इदारों के साथ चलना होता है, और वही हुकूमतें अच्छी और कामयाब हुकूमतें होती हैं, क्योंकि इदारे हमारे अपने इदारे हैं, ये किसी गैर मुल्क के इदारे तो नहीं है। तो मैं तो बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारी हुकूमत अपने तमाम इदारों के साथ बिल्कुल मुकम्मल तआवुन, हम आहंगी और एक सोच रख के आगे बढ़ें। इदारे हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत इदारों को सपोर्ट कर रही है, और हम साथ चल रहे हैं। जिनकी ये ख्वाहिशात हैं कि वो, क्योंकि इनकी ख्वाहिशात हमेशा ये होती है, पैर पड़ते हैं, ये जाके बूट साफ करने के चक्कर में लगे होते हैं कि जी किसी तरह इनकी सेटिंग हो जाए और इदारे इनको लेकर आ जाएं। पाकिस्तान में वो अब काम ख़त्म हो गया है। अब आपको अवाम के बल पे, अपने ज़ोर पे, अपने बाजुए ताकत पे, अपने प्रोग्राम पे अवाम के पास जाना पड़ेगा। कोई इदारा किसी को पॉलिटिकल सपोर्ट या किसी को हुकूमत में लाना या हटाना ये इदारों का काम नहीं है, ना इदारे ये काम कर रहे हैं। मेरा बिल्कुल इरादा है कि मैं सीएम साहब से इसके ऊपर एक तफसीली मीटिंग करूंगा, ख़ासतौर से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। मेरी इतला के मुताबिक सीएम साहब शायद मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए थे, आ गए या कल आज दिन में आ जाएंगे। जैसे आएंगे तो मैं उनसे ख़ासतौर से इसी एक टॉपिक के ऊपर मुलाकात रखना चाहता हूँ और सजेशन भी दूँगा और उन्हें सारे मामलों से आगाह भी करूँगा।